एपिसोड की शुरुआत में हमें पैलेस दिखाया जाता है जो तबाह हो चुका होता है, और अभी बैटल को सिर्फ 30 मिनट ही हुए होते हैं और बहुत सारे लोग अभी भी इंतजार कर रहे होते हैं पैलेस के बाहर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, और ये सब हिप्नोटाइज हो चुके होते हैं शाहपुफ की विंग स्किल की वजह से, इसलिए ये मतलब कुछ नहीं करके वैसे ही खड़े रहते हैं। रॉयल गार्ड सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए इन सबको सोल्जर एंट में कन्वर्ट करने वाले होते हैं, और इसी के तरह एक सोल्जर एंट अभी पैलेस के अंदर है जो कुकून को फाड़ के बाहर आ चुकी है, और ये एक लड़की होती है और मोस्ट प्रोबेबली आप इसको जानते होंगे लेकिन हम अभी इसका नाम रिवील नहीं करेंगे। वो दरवाजा खोल के बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद हम किलुआ को देखते हैं जो यूपी के साथ फाइट करने के बाद अपने आप को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ले रहा होता है, मतलब सच में चिट्टेदार रोबोट बन चुका होता है यहाँ पे किलुआ। थोड़ी देर ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी लेने के बाद किलुआ पूरी तरह से चार्ज अप हो जाता है, और उसके बाद ये पैलेस के अंदर जाने की सोचता है क्योंकि पैलेस के अंदर शायद इसको पाम मिल सकती है, और ये अपनी फुल पोटेंशियल से आगे बढ़ने लगता है तेजी से, और तभी इसको किसी का प्रेजेंस महसूस होता है। इसके बाद किलुआ सोचता है कि कोई मुझे देख रहा है और शायद मैं उसको जानता भी हूं, और ये आगे किनारे पे जाके छुप के देखने की कोशिश करता है लेकिन इसको तब कुछ नहीं दिखता। इसके बाद किलुआ अपना योयो निकालता है और उसको जमीन के ऊपर रोल कर देता है और उसके रिफ्लेक्शन से देखने की कोशिश करता है क्या कुछ आ रहा है, लेकिन तब इसको कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन तभी किलुआ को कुछ दिखाई देता है योयो के ऊपर, और हम देखते हैं कि कोई तो आ रहा होता है उस डायरेक्शन से। इसके बाद किलुआ खुद पीछे मुड़ के देखता है और तब वो दिखता है कि वही कैमरा एंड के सोल्जर आगे बढ़ रहे होते धीरे धीरे, और जैसे ही किलुआ इसको देखता है वो पहचान जाता है कि ये कोई कैमरा एंड की सोल्जर नहीं, ये अपनी पाम है। और किलुआ इसको इतने आसानी से इसलिए पहचान लेता है क्योंकि इसकी शक्ल बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, लेकिन किलुआ को नहीं पता होता कि ये इंसान पूरी तरह से बदल चुकी है, और इससे किलुआ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि उसको समझ में आता है कि पाम को रॉयल गार्ड ने पकड़ लिया और उसके बाद उसको कैमरा एंड के सोल्जर में ट्रांसफॉर्म कर दिया, और वो सोचने लगता है कि जब गॉन इसको देखेगा तब उसकी हालत क्या होगी, वो तो और भी ज्यादा बौखला जाएगा, वो अभी जिस स्टेट के अंदर है वहां पे उसके दिल में और गम के लिए जगह नहीं है और ये वो नहीं सह पाएगा। अगर गॉन पाम को इस हालत में देखेगा तो वो कंप्लीटली टूट जाएगा। मुझे पता लगाना होगा कि पाम अभी हमारी दुश्मन है या फिर दोस्त है। हमारे पास अभी भी मौका है, पाम खुद मेरे पास आई थी तो शायद अभी भी पाम वैसी ही है जैसे वो हुआ करती थी। मेरे सेंस करने से पहले ही पाम ने मुझे सेंस कर लिया होगा और वो किसी नए टेक्निक की मदद से मुझे देख रही होगी। शायद ये उसी टेक्निक की तरह होगा जिसके बारे में उसने बताया था, क्ले वॉयंस, और ये जो नई टेक्निक है इसकी शायद ये उसी की तरह काम करती होगी। जिस पोजीशन से पाम आ रही है उस पोजीशन से वो मुझे देख नहीं पाती, मतलब वो किसी और टेक्निक का यूज कर रही थी, और अगर वो दुश्मन होती तो फिर वो मुझे याद नहीं कर पाती, लेकिन वो मेरी तरफ आई मतलब वो मुझे याद कर पा रही है। इसके बाद किलुआ सवाल करता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, और उसके बाद पाम बोलती है कि तुम किलुआ हो ना राइट। उसके बाद किलुआ सोचता है कि हाँ मुझे पता था कि उसके पास उसकी याददाश्त अभी भी मौजूद है। इसके बाद पाम पूछती है कि गॉन कहाँ पे है, अगर वो मुझे इस हालात में देखेगा तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा, और किलुआ बोलता है कि नहीं, गॉन किसी को लुक्स पे जज नहीं करता, और तुम ऐसी बोल रही हो कि जैसे वो तुमसे अभी नफरत नहीं करता हो। इसके बाद पाम बोलती है कि तुम हमेशा से ही कड़वे रहे हो। खैर कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारी इन बेकार की बातों से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। गॉन कहाँ पे है? इसके बाद किलुआ बताता है कि गॉन पीटो के साथ है और वो उसके साथ, और तभी किलुआ को कुछ समझ में आता है। ये सोचता है अगर ये अपनी एबिलिटी से मुझे देख सकती है तो फिर ये अपनी एबिलिटी से गॉन को क्यों नहीं देख सकती। इसके बाद किलुआ सवाल करता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा, और तब पाम बताती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुमने मुझे ढूंढा था उस कॉर्नर से तुम मुड़ के आए थे, और तब किलुआ बताता है कि वो इसलिए मुड़ के आया था क्योंकि उसने सेंस किया था कि ये उसको देख रही थी, इसका मतलब तुमने मुझे पहले देखा। इसके बाद किलुआ सोचता है कि ये झूठ क्यों बोल रही है, और उसके बाद पाम बोलती है कि तुम हमेशा प्रॉब्लम खड़ी करते हो बदतमीज लड़के, गॉन कहां पे है, मेरे सवाल का जवाब दो। इसके बाद किलुआ को समझ में आता है कि जब इसको लगा था कि कोई इसको देख रहा है तब इसको कोई फिजिकली देख रहा था, और तब शायद पाम ने इसको देखा होगा और देखने के बाद ये पीछे मुड़ के चली गई होगी, और उसके बाद क्लेवेंस की मदद से ये इसने ऐसे एक्टिंग की होगी कि जैसे ये खुद इसके पास आ रही हो। इसके बाद पाम गुस्से में बोलती है कि मैं तुमसे आखिरी बार के लिए पूछ रही हूँ कि गॉन कहाँ पे है। इसके बाद किलुआ अपना योयो निकालता है और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम हमारी दुश्मन हो, नहीं हो क्या तुम हमारी दुश्मन। इसके बाद पाम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ये फिर से अपने चुड़ैल वाले रूपों में आ जाती है, और यहाँ पे इसके पास न्यू एबिलिटी होती है जिसकी मदद से ये अपनी पूरी बॉडी को अपने बाल से कवर कर लेती है, जैसा भैनम कवर करता है ना वैसा ही ये अपने आप को कवर कर लेती है। इसके बाद पाम बोलती है मैंने गलती कर दी, मैंने अपनी पावर को अच्छी तरह से यूज नहीं किया, जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे उसी का यूज करके फाइट करना चाहिए ना कि अपने आप को रोकना चाहिए। और पाम के इस टेक्निक का नाम होता है ब्लैक विडो, डार्क डिमन गॉडेस, जिसको देखने के बाद किलुआ भी थोड़ा सा हैरान होता है और बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद पाम बोलती है कि मुझे अपना पूरा गुस्सा निकाल देना चाहिए, और
उसमें तुम्हारी मौत लिखी है। इतना सुनने के बाद किलो अपना यो-यो दे मारता है पाम के ऊपर, लेकिन पाम उसको एक मुक्का मारती है और इसका यो-यो पूरी तरह से तबाह हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक बात है क्योंकि इसका यो-यो 50 किलो का है। जब इसने 12 को मारा था तो 12 नॉकआउट हो गया था, 2 कैमरा एंड को मारा था, उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, लेकिन यहाँ पे पाम ने उसको अपने एक हाथ के एक पंच से ही खत्म कर दिया। इसके बाद किलुआ को पता लगता है कि इसको पंच पड़ने वाला है, तो ये डिफेंस करने के लिए अपनी कोशिश करता है और डिफेंस कर भी लेता है, और उसके बाद पूरी पगला जाती है पाम और जोरों से हंसने लगती है। इसके बाद पाम राउंड राउंड घूमते हुए पूछती है कि अब तुम क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे, क्या तुम कुछ बोले बिना ही मर जाओगे। और उसके बाद ये किलुआ के ऊपर एक जबरदस्त राउंड किक मारती है, और ये राउंड किक इतना ज्यादा भयानक होता है कि किलुआ उड़ते हुए सीधा एक दीवार से जाकर टकराता है और उस दीवार के टुकड़े हो जाते हैं। जब धुआं उठता है तब हम देखते हैं कि किलुआ अभी भी डिफेंस करने की कोशिश कर रहा है, ये अटैक करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं होता। इसके बाद पाम फिर से सवाल करती है कि क्या तुम बिना बताए ही मर जाओगे। इसके बाद हम पैलेस के बाहर का सीन देखते हैं, जहां पे हमें सिर्फ पाम की चुड़ैलों वाली हंसी सुनाई दे रही होती है। इसके बाद सीधा जाते हैं पाम के पास, जहां पे ये अभी भी अटैक कर रही होती है किलुआ के ऊपर, और किलुआ इसको डॉज मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। इसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ब्लैक विडो टेक्निक के अंदर ये अपने बालों से अपनी बॉडी को कवर कर लेती है ताकि अपने आप को डिफेंस कर सके, यानी कि ये अटैक के लिए नहीं होता, लेकिन इसको खतरनाक बनाता है इसका माइंडसेट। इसको भी पता होता है कि इसकी बॉडी जब बालों से कवर हो जाती है तब इसको डिफेंस की जरूरत नहीं होती, और इसलिए ये अपना सारा ऑरा फोकस करती है अटैक के लिए, जिसकी वजह से किलुआ को भी परेशानी हो रही होती है। इसके बाद पाम बड़ी ही तेजी से किलुआ की तरफ बढ़ने लगती है और किलुआ के ऊपर एक जोरदार पंच जड़ देती है। किलुआ इसको ब्लॉक करता है, लेकिन ये पंच इतना ज्यादा भयानक होता है कि इसके ब्लॉक करने के बावजूद इसके नाक से खून आ जाता है। इसके बाद किलुआ को याद आता है कि पाम ओरिजिनल एक एनहांसर हुआ करती थी, जिसकी वजह से ये इतनी स्ट्रॉन्ग आसानी से बन सकती है जब वो कैमरा एंड में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद किलुआ सोचता है कि अगर ये फाइट लंबा चला और मैं अपने आप को सिर्फ डिफेंस करता रहा तो फिर ये मेरे लिए बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन मैं भाग भी तो नहीं सकता, अगर मैं भागा तो ये गॉन से किसी ना किसी तरह से मिल जाएगी, और गॉन का अभी लिमिट आ चुका है, वो और ज्यादा झेल नहीं सकता, जब वो उसको इस हालत में देखेगा तो वो पगला जाएगा। इसके बाद किलुआ अपने नाक से खून पोंछता है और बोलता है कि मैं पाम को उससे मिलने नहीं दे सकता, और यहाँ पे किलुआ पाम को कोई भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता क्योंकि पाम गॉन के बहुत ज्यादा करीब है, और अगर पाम को कुछ होता है तो शायद गॉन फिर से पगला जाए। मतलब यार किलुआ कितनी परवाह करता है गॉन की। इसके बाद पाम गुलाटी मार के चक्री बन के सीधा बढ़ रही होती है किलुआ की तरफ, और किलुआ के ऊपर एक जबरदस्त पंच जड़ देती है, और ये पंच इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि किलुआ इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी उसी जगह पे लमलोट हो जाता है, और जैसे ये नीचे गिरता है वैसे ही पाम फिर से हवा में छलांग लगा के इसके ऊपर एक राउंड किक मारने वाली होती है और मार भी देती है, लेकिन जैसे धुआं उठता है तब पता चलता है कि वहां पे किलुआ नहीं था, किलुआ एक छिपकली की तरह एक दीवार के ऊपर चढ़ चुका होता है। इसके बाद किलुआ उसी जगह से पूछता है पाम से कि अगर वो बताएगी कि वो गॉन को क्यों ढूंढ रही है तो ये बता सकता है कि गॉन कहां पे है, लेकिन पाम बोलती है कि तुम अभी ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो, कोई रीजन नहीं है उसको ढूंढने के लिए, मैं बस उसे देखना चाहती हूं और वो यही कि आसपास होगा, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगी तुम्हें मारने के बाद। इसके बाद पाम एक जंप लगा के किलुआ के ऊपर एक और बार पंच मारती है, लेकिन किलुआ इस बार भी डॉज कर देता है और ये आगे की तरफ तेजी से भागने लगता है और एक जगह पे जाके रुक जाता है जहां पे पाम इसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, और ये बोलता है पाम मुझे माफ कर देना, जिसकी वजह से पाम अचानक से उसको कुछ हो जाता है, वो अचानक से डिस्क ब्रेक लगाती है शूट की तरह और रुक जाती है। इसके बाद किलुआ बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था, इसलिए मैंने तुम्हें दुश्मन कहा था, तुम भले ही अलग लगो लेकिन तुम अंदर से अभी भी पाम हो, और इतना सुनने के बाद पाम के दिल में कुछ तो होता है। इसके बाद किलुआ फिर से बोलता है गॉन अभी बहुत ज्यादा तकलीफ में है, कोई ऐसा इंसान था उसकी जिंदगी में जिसकी वो बहुत ज्यादा परवाह करता था, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता था, लेकिन उस इंसान की हालत अब कुछ ऐसी है कि जैसे कि उसके पास उसकी आत्मा ही ना हो, और जिसने उसकी वो हालत की थी उसके साथ अभी गॉन है, और गॉन अपना बदला चाहता है, और अगर तुम इस हालात में उससे जाके मिलोगी तो तुम्हारी हालत देख के वो पूरी तरह से पागल हो जाएगा, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, और अगर तुम उससे मिलती हो तो पहले उसको उसके नाम से पुकारना, उसके बाद तुम बताना कि तुम एकदम ठीक हो, ये मेरी कंडीशन है, और जब हम पैलेस में नहीं थे, हम जब बाहर थे तब वो तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था, इसलिए उसके दिमाग को थोड़ा सा शांति देना। यहाँ पे किलुआ अभी भी पाम को मिलने नहीं देना चाहता गॉन को, वो सिर्फ टाइम की बचत करना चाहता था, लेकिन अचानक से ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उसके बाद किलुआ बोलता है कि तुम उसकी मदद करो, तुम उसको अच्छा फील करवा सकती हो, तुम उसके बहुत ज्यादा करीब हो, ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो, मैंने कोशिश की लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद किलुआ के आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं, किलुआ अपने घुटने टेक देता है और उसी जगह पे लिटरली बच्चों की तरह रो रहा होता है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं किलुआ की ऐसी हालत भी कभी देख सकता हूँ, लेकिन ये गॉन के लिए कुछ
कुछ भी कर सकता है और ये गॉन के लिए अभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका होता है। ये लिटरली बहुत ज्यादा यहाँ पे रो रहा होता है। किलुआ के दिल में पहले ही बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और जो गोहन ने कहा होता है इसको, उससे इसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद वो चुप था। लेकिन यहाँ पे ये अपने आप को और नहीं रोक पाता और इसके अंदर जो इमोशनल डैम होता है वो टूट जाता है। इसके बाद हम छोटे शावपूफ को देखते हैं जो बोलता है कि ये डिफेंसलेस है, प्लान में अभी चेंज है, अब इसको खत्म कर दो, नंबर वन इसको खत्म कर दो। और उसके बाद पाम अपने हाथ को मुट्ठी में कन्वर्ट करती है। इसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि जब पाम पैलेस के अंदर आई होती है किंग को देखने के लिए, तब इसको महसूस होता है पीटो का ऑरा, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है और तभी ये देखती है शावपूफ को नीचे उतरते हुए। और जब ये शावपूफ को देखती है तब ये अपनी जान ले लेती है ताकि उनको ऐसा लगे कि जैसे कि मतलब जो बीजेप है उसकी वजह से इसने अपनी जान दे दी, बीजेप ने इसको बहुत ज्यादा हराश किया होगा जिसकी वजह से इसने अपनी जान दे दी। लेकिन पीटो ऐसा होने नहीं देती, क्योंकि जैसे ही पाम को महसूस होता है पीटो का ऑरा, तब वो गलती से अपना ऑरा यूज करके अपने आप को बचाव करने की कोशिश करती है, जो उसकी गलती थी और ये एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह है, इसलिए कोई पाम को ब्लेम भी नहीं कर सकता। इसके बाद पीटो ने परमिशन ली किंग से और शापूप के साथ मिलके इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके इसको सोल्जर नंबर वन बना दिया। जितने कैमरा एंड को अपना पास्ट याद होता है वो सब मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और साथ में उनके पास नैन की एबिलिटी भी होती है, यानी कि उन्होंने नैन को बहुत आसानी से और अच्छी तरह से यूज करना सीख लिया होता है। लेकिन ये सोल्जर के लिए जितना अच्छा होता है उतना बुरा भी होता है, क्योंकि अगर सोल्जर इमोशनल हो जाए और इमोशनली वो कंट्रोल हो जाता है तो फिर वो अपनी पास्ट लाइफ की तरह ही बन जाता है और साथ में ये इनके कंट्रोल में नहीं आने वाला। तो फिर डॉक्टर ब्लाइथ की मदद से पीटो यहाँ पे पाम की जो मेमोरीज होती है उसको एक्सेस करने का मौका तो देती है, लेकिन जो इमोशनल कनेक्शन होता है वो काट देती है, जिसकी वजह से पाम को सब याद होता है लेकिन वो इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाती। और यही एक्सपेरिमेंट चीतू और हाग्या के ऊपर भी किया गया होता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और कुकून से बहुत जल्दी निकल आते हैं। और इस टेक्निक की मदद से वो ह्यूमैनिटी के ऊपर राज करना चाहते हैं, ऐसे सोल्जर बनाना चाहते हैं जिनके पास उनकी मेमोरी होगी लेकिन इमोशनल कनेक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से ये उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और पाम इनकी सबसे पहली और सबसे सक्सेसफुल क्रिएचर होती है या फिर सोल्जर होती है। इसके बाद हम पाम को देखते हैं जो बोलती है कि मेरा नाम पाम है, पाम साइबेरिया। इतना सुनने के बाद छोटा शावपूफ बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पाम बोलती है कि मैं पाम साइबेरिया हूँ, मुझे नंबर वन मत बुलाओ। और इसके ऊपर एक जोरदार पंच मारती है जिसकी वजह से इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और तब पाम बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं तुम जैसे चींटियों की बातें कभी नहीं मानने वाली। इसके बाद पाम अपनी नैन एबिलिटी को डिजेबल करती है और किलुआ से शुक्रिया अदा करती है और बोलती है कि तुमने मेरे दिमाग के अंदर की दीवार को तोड़ दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दिमाग के अंदर एक था जो मुझे अपने इमोशन से दूर रख रहा था और मैं इसका कुछ कर नहीं पा रही थी, जब से मैं उठी हूं तब से ऐसा ही हो रहा था लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया, तुमने उस दीवार को तोड़ दिया। और कभी मत कहना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, अपने ऊपर भरोसा रखो। और अगर गॉन के लिए मैं कुछ कर पाऊंगी तो फिर मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। लेकिन किलुआ एक बात कभी मत भूलना, अगर गॉन को किसी की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो तुम हो। और इसके बाद किलुआ की आंखों में जो चमक दिखती है ना, उससे पता चलता है कि ये कितना ज्यादा इमोशनल हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद हम शावपूफ और यूपी को देखते हैं, जहाँ पे यूपी सवाल करता है कि क्या प्रॉब्लम है और शावपूफ बोलता है कि सब बर्बाद हो गया। इसके बाद शावपूफ सोचता है कि इन सोल्जर को ना ही इमोशन की जरूरत है ना ही मेमोरीज की, जिसका मतलब मुझे पीटो की पावर की भी कोई जरूरत नहीं है, यानी कि मैं इकलौता सोल्जर्स बना सकता हूं और एक नया किंगडम बना सकता हूं, एक ऐसा किंगडम जो सिर्फ किंग के लिए और मेरे लिए सूटेबल होगा। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों साथ में कमेंट करके मुझे बताओ कि जब क्वीन की डेथ हुई तब पता चला कि किंग का एक जुड़वा बहन भी है और उसकी जिम्मेदारी कौन उठाने की प्रॉमिस करता है और साथ में उसका नाम क्या रखा गया है। और दोस्तों पाम चाहे चुड़ैल हो या फिर पाम काइमेरा एंट हो, वो तब भी मेरी थी और अभी भी मेरी ही है। और अगर तुम्हें भी ऐसा ही लगता है तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोर से बजा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।